आपने एक चेयर में कितने लोगों को बैठते देखा है? यदि पूरे दिन मोबाइल डाटा को ऑन रखोगे तो क्या होगा? अगर आप और चाइना के सभी लोग एक सिंगल लाइन में खड़े हो तो क्या होगा? ये चीजें एक्चुअली में हेल्दी है? दोस्तों, इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की तरह ही शौकीन है, तो बने रहिए वीडियो के अंत। नंबर 10, यदि हम अपने मोबाइल डाटा को दिन भर ऑन रखेंगे तो क्या होगा? तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पूरा नेट खत्म हो जाएगा या फिर अननेसेसरी चीजें डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आप अपने मोबाइल डाटा को पूरे दिन ऑन रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 MB ही आपके खत्म होगी, और ये भी ज्यादा है क्योंकि नोटिफिकेशन में और छोटे मोटी चीजों में कोई खास नेट नहीं जाता। और रही बात डाउनलोड होने की, तो कोई भी चीज डाउनलोड नहीं हो जब तक आप उसे खुद से डाउनलोड नहीं करो। हाँ, पर ये बात तो है कि पूरी टाइम नेट ऑन रखने से आपका टाइम तो बर्बाद जरूर हो, जो कि बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, जो कि गारंटी है कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। नंबर 9, इस आदमी ने 3-3 शादी की, लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि अपने तीनों बीवियों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया ताकि उन्हें बराबर टाइम दे सके। कहते हैं कि शादी दो लोगों को जोड़ता है, लेकिन यहां तो 4 लोग हैं। इस आदमी ने ट्रिपल मैनर से शादी की। नंबर 8, इस महान टीचर को तो आप सभी जानते होंगे। ये टीचर खाना के एक गांव में बच्चों को ब्लैक बोर्ड में ही एमएस वर्ड के बारे में बताते हैं, और उसकी फोटोज ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुई, और वायरल होने के बाद एक इंडियन कंपनी ने इस महान टीचर को मदद करने के लिए इसे कंप्यूटर्स डोनेट किए, ताकि आगे से बच्चों को पढ़ने और टीचर को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। नंबर 7, इंडियन नैरोज को काफी संभाल के और हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। पहले लोग इन नैरोज का इलीगल शिकार करते थे, लेकिन पिछले साल एक भी इंडियन नैरोज को किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दूं कि ये पिछले 45 सालों में नहीं हुआ है। नंबर 6, स्टारबक्स में 3.9 लाख की कॉफी। यूएस में जब एक कपल स्टारबक्स में कॉफी पीने के लिए गए, तो उन्होंने जब अपनी दो कॉफी का बिल देखा तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस दो कप की कॉफी की कीमत 3.6 लाख रुपीस था। जब उन्होंने इसकी कंप्लेंट ऑफिसर से की, तब उन्होंने इसे ह्यूमन एरर बताया और इसे एक और बिल भेजा गया, और तब उसमें उस कॉफी का एक्चुअल प्राइस दिखा। नंबर 5, यदि आप और चाइना के सभी लोग एक सिंगल लाइन में खड़े हो जाएं, तो इस लाइन में आगे जाने की आपकी बारी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि चाइना के पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन रेट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 1000 लोग के बाद 11 नए लोग पैदा हो जाते हैं। आपको बता दो कि इतना पॉपुलेशन रेट किसी और देश का है ही नहीं। नंबर 4, वेजिटेबल को खाएं तो वो हेल्दी है, लेकिन जब बर्गर में वेजिटेबल को खाते हैं तो उसे अनहेल्दी क्यों माना जाता है? दरअसल अगर देखा जाए कि बर्गर में सब हेल्दी लगता है, जैसे चिकन, टमाटो या ऑनियन, लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी है क्योंकि इसमें काफी बेकार ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर में सबसे बेकार चीज ऑयल ही होती है, जो ये काफी ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि एक ही तेल को बार बार यूज किया जाता है, और जो बन होता है वो मैदे का होता है, जो कि उतना कुछ खास नहीं रहता। फिर जो मिर्च मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग सॉस का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए अगर होल ब्रीड से बना ब्रेड हो और अच्छे ऑयल में बना पैटर्न बर्गर परफेक्ट और हेल्दी है, लेकिन आज होल ब्रीड से बाकी ब्रेड भी पूरे नहीं होते और ना ही ऑयल अच्छे, इसलिए इसे नॉर्मल खाना ही बेस्ट है। और काफी लोग तो पानी पूरी को भी अनहेल्दी मानते हैं, जो कि कम्प्लीटली ऐसा नहीं है। अगर हम पानी पूरी को भी देखें तो ये काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन जो बाहर मिलती है वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो काफी हाइजेनिक होती है और उनका पानी भी गंदा होता है। नंबर 3, ये बहुत ही फनी है। 1951 में जब न्यू जर्सी में मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है कि जिसमें जजेस ये जज करते हैं कि किसके पांव सबसे अच्छे दिख रहे हैं, और जब ये कॉम्पिटिशन चल रहा था तो वहाँ के सभी कंटेस्टेंट्स को अपने मुंह को ढकने को कहा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जजेस कंटेस्टेंट्स को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उनका चेहरा देख कर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन के दौरान अपने सभी कंटेस्टेंट्स को अपने मुंह को पिल्लो से ढक रखा। नंबर 2, आज भारत दुनिया भर में कितनी तरक्की कर रहा है, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2022 में दुबई में घर खरीदने के लिए इंडियंस ने तकरीबन 35,000 करोड़ खर्च कर दिया। नंबर 1, आपने एक चेयर में कितने लोगों को बैठते देखा है? एक या ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन इस चेयर पर लगातार 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि एक खास प्रकार की चेयर है जो किसे हजारों साल पहले बनाई गई थी। इस चेयर पर 3 लोग आराम से बैठकर कोई भी सीक्रेट काम से लेकर डिस्कशन कर सकते हैं।